हमारे पास तो है नहीं, हम तो बड़े कोई पूंजीपति है नहीं। उनके पास 2000 करोड़ का CSR फंड है, उसकी ओर लोगों की नज़र रहती है। तो कल हतरी में हम लोग जाएंगे, कोयला घोटाले का CBI जांच का मामला चल रहा था, हम लोगों ने नहीं उठाया। धन वाले लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे, हम तो गरीब लोगों की वकालत करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं। इतने बाबू लोग हैं यहाँ, जब दलित लोग मारे जा रहे थे, धरनई में, उमता में मारा गया, ककड़िया में मारा गया, आतंक जब मचा था तो कोई बाबू नहीं आया। सर, आज जो है दिन भर का आपका दिनचर्या क्या रहा? रोड शो जो है, ऐतिहासिक रोड शो, इसे आप किस रूप में देखते हैं सर? क्या लग रहा है, किस तरीके का जन समर्थन जो है? देखिए, रोड शो में पीपल की भागीदारी, जनता की भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसलिए रोड शो किया जाता है। घूमने में जो समय मिला है, काफ़ी कठिनाई हो रही है उसमें, कि अधिक से अधिक लोगों से, हर जगह लोग चाहते हैं कि आएँ, और स्वाभाविक भी है। तो आज जो हम लोगों ने शांतिपुरम अतौला से शुरू किया, और उसके बाद इमामगंज से फिर करपी से बंसी सोनभद्र, उसके बाद हम लोग सेनारी मंझियामा और बिघा, उधर बंसी में रतनी सोनभद्र, फिर गाजीपुर, ये तमाम गांव के लोग इकट्ठा होकर के, समूह बना करके, कहीं न कहीं संवाद में थे। कई जगह नुक्कड़ सभा भी हुआ, कई जगह बड़ी सभा हुई, जिसमें सोनभद्र में बड़ी सभा हुई, कई गांव के लोग वहां उपस्थित थे। तो ये जो जनसंपर्क का तरीका है, यह बहुत ही बृहद रूप से मास में जाने में और कम समय में अधिक से अधिक लोगों से संपर्क होता है, इसलिए इसको रोड शो का नाम दिया गया है। रोड शो एक्चुअल ये था नहीं, जनसंपर्क अभियान ही था। सर, कब जो है जनसंपर्क कहाँ कहाँ करने वाले हैं? हतरी में भी सुने हैं कि एक रोड शो करने वाले हैं। कल हतरी में हम लोग जाएंगे, इसके पहले भी 2-3 बार गए हैं, कल हतरी में जाएंगे, और सोतर से लेकर के वो जो पूरा इलाका है मोहरा का, रिवला है आपका, पांडे बिघा है, फिर दरियापुर है, मालती है, तो इस तरीके से तमाम गांव का दौरा कल निर्धारित किया गया है। और फिर बैरका है, तो तमाम ऐसे गांवों को हम लोग कल, जो अभी तक जहां नहीं गए हैं, इन गांवों में संपर्क अभियान चलेगा। सर, आप एक उम्मीदवार के साथ साथ देश लेवल के नेता हैं, प्रधानमंत्री पहली बार जो है BJP कार्यालय बिहार आए हैं, पहला सवाल तो यह है सर। दूसरा, कि उद्योगपति भोला बाबू का कहा जा रहा है कि आएंगे चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी के पक्ष में प्रचार करने, जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या लगता है सर? अरुण कुमार इसे किस रूप से देखते हैं? देखिए, अरुण कुमार अपनी बात रख रहे हैं, भोला बाबू अपनी बात रखेंगे। अब ये तो जनता से संपर्क करने का सबको राइट है, भोला बाबू। ये सवाल इसलिए सर क्योंकि आप भूमिहार के सम्मान की ही लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भूमिहार के एक बड़े चेहरे जो है चंदवंशी जी के पक्ष में प्रचार करने हैं। देखिए, ये जनता का सवाल बन गया है। अब जो लोग किसी घोटालेबाज का, किसी भ्रष्टाचारी का पक्ष लेते हैं, तो ये उनका मोरल और कन्विक्शन पर निर्भर करता है, हमारे लिए वो बहुत विशेष महत्व का विषय नहीं है। चंद्रवंशी जी पिछले बार जब आए थे तो उन पर कोयला घोटाले का CBI जांच का मामला चल रहा था, हम लोगों ने नहीं उठाया। कोयला घोटाला से वो माल अर्जित किए होंगे और कहीं दिए होंगे भी, राजनीति में उनका प्रवेश धन के माध्यम से हुआ है, तो धन वाले लोग उनके पक्ष में खड़े होंगे। हम तो गरीब लोगों की वकालत करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, गरीब लोगों के
पक्ष में खड़े होते हैं। आज ये जितने बाबू लोग हैं यहाँ, जब दलित लोग मारे जा रहे थे, धरनई में, उमता में मारा गया, ककड़िया में मारा गया, आतंक जब मचा था तो कोई बाबू नहीं आया। तो बाबू का अपना दायरा है, और जब यहाँ संकट आया है, जब जब कभी जातीय सम्मान पर भी, तो कोई बाबू की बोलती नहीं हुई। तो ये तो जनता तय करेगी ना। जब लालू यादव को खुश करने के लिए नीतीश कुमार अनंत सिंह के बहाने भूमिहारों पर हमला कर रहे थे, 4000 फोर्स लगा दिए थे, हर गांव में महिलाओं को परेशान कर रहे थे, तो उस समय कहाँ कोई बाबू थे? उस समय तो अरुण कुमार ही थे। तो हमारा अपना डोमेन है, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। हमारे पास तो है नहीं, हम तो बड़े कोई पूंजीपति है नहीं। उनके पास 2000 करोड़ का CSR फंड है, उसकी ओर लोगों की नज़र रहती है, तो जो लोग पैसे हैं वो उनकी मदद में जाएंगे, लेकिन उससे अस्मिता की रक्षा नहीं होगी। और ये सवाल अस्मिता की रक्षा का है, उसमें धन की कोई भूमिका नहीं है, उसमें कन्विक्शन का है, विल पावर का है, और लड़ने के अपने मादा पर है। हम लोगों को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इन लोगों को बहुत तरह का गलत काम करते हैं तो डर भी रहता है, सत्ता के साथ खड़े होंगे भयभीत रहते हैं, कभी CBI, कभी इनकम टैक्स। हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं खोने के लिए, जनता का प्यार पाने के लिए पूरा ये है। अभी तो आएंगे राजनीति में, तो अभी तो CSR फंड बांट रहे थे, राजनीति में आएंगे तो लेटना पड़ेगा। हम तो लालू यादव से लड़े हैं या नीतीश कुमार से लड़े हैं, ये लोग इन लोगों का दरबार किए हैं, तो अंतर तो है।